रत्न का बेसिस क्या है? 9 प्लैनेट है टोटल, कौन कौन से 9 प्लैनेट है? सन, मून, मर्क्यूरी, ठीक है, मार्स, फिर आपका जुपिटर, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सैटर्न, और राहु एंड, नहीं, ठीक है जी। अब एक चार्ट हम बनाते हैं, डमी चार्ट, आपको समझाने के लिए कि रत्न का आधार क्या है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब जब आप किसी का चार्ट देखते हो, जब आप किसी का चार्ट देखते हो, राइट, तो आप किसी भी चार्ट में क्या देखते हो? चार्ट को देखने के कई तरीके हैं। कुछ लोग क्या देखते हैं कि मेरा प्लैनेट कहाँ बैठा है, और कुछ लोग ये देखते हैं कि इस समय अथॉरिटी किसके पास है। अब अगर मैंने कोई चार्ट लिया, ओके, इसमें मैंने पाया कि ये जो फर्स्ट हाउस है, ये क्या है? लग्न, यही होता है ना जी, ये क्या है? यस पंचम, ये क्या है? नवम, नवम। ठीक है जी। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये मत है, अब ये में मेरा मत नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं वो आप लोग को बता रहा, सो कॉल्ड, ठीक है, कि केंद्र जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, केंद्र, उसके बाद त्रिकोण, ये भी त्रिकोण में ही आ गया। एक कंसेप्ट ये कहता है कि केंद्र त्रिकोण हमेशा शुभ होता है, यही सुना आप लोगों ने, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट लिख देता हूं यहां पे, ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि कार्य के हिसाब से रत्न डाले, ठीक है जी। और तीसरा कंसेप्ट ये कहता है कि प्लैनेट के हिसाब से रत्न डाले, रत्न करता क्या पता है? रत्न पावर बढ़ाता है, किसकी पावर बढ़ाता है? उस पर्टिकुलर प्लैनेट की, प्लैनेट इन क्वेश्चन, राइट। जेमस्टोन्स की जब मैं बात करता हूं, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। जब मैं प्लैनेट की बात करता हूँ, तो कौन सा रत्न किसके लिए है, ये आप लोग क्विकली बताने का प्रयास करेंगे। जैसे सन के लिए क्या है? माणिक्य। अर्थ माणिक्य मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझते नहीं है, प्लीज। सन के लिए क्या है? माणिक्य। माणिक्य मून के लिए क्या है? मोती मोती, फल मोती मोती। मोती मरक्यूरी के लिए क्या है? पन्ना मंगल पन्ना के लिए? मूंगा, मूंगा मूंगा मूंगा। जुपिटर के लिए? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज वीनस के लिए? हीरा। डायमंड डायमंड नीलम शनि के लिए? नीलम, नीलम राहु के लिए?
गोमेद। लहसुनिया। ओके, टुकड़े लहसुनिया। ठीक है जी, ये आपके मुख्य रत्न है जो डाले जाते हैं। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, रत्न करता क्या पता है? रत्न इनकी पावर को बढ़ाता है, वो केवल इतना ही काम करता है, इससे ज्यादा रत्न कुछ नहीं करता है। रत्न को कुछ नहीं पता है एबीसीडी, उसको कुछ नहीं पता है कि मुझे इसको कैसा बिहेवियर देना है। उसको इतना पता है कि मुझे कहा गया है कि पावर को अप कर दो। ठीक है, इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रत्न केवल प्लैनेट के पावर को बढ़ाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका लगन, ठीक है, कृष्णकांत जी प्लीज म्यूट कर लीजिए क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आ थैंक रहा है, यू। ओके बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ओके सर जब आपको ओके बोलना सर होगा आप अनम्यूट करके बोल लीजिएगा। धन्यवाद आपका। एक कंसेप्ट ये कहता है कि जो लगन होता है, लगन सपोज किसी का 3 नंबर लगन है, तो उसको कहा जाता है कि आपका लगन 3 नंबर है, इसलिए आप लगन लॉर्ड का रत्न पहन लीजिए। लगन लॉर्ड कौन है? पन्ना। ठीक है, मतलब मर्क्यूरी। किसी का 4 नंबर है तो क्या कहा जाएगा? मोती पहन लीजिए। किसी का 5 नंबर है तो कहेंगे माणिक्य पहन लीजिए। तो एक कंसेप्ट है कि लगन का रत्न अक्सर लोग पहना देते हैं आंख बंद करके। पंडित के पास जाएंगे, बोलेंगे बॉस इस लगन का रत्न, आपका लगन नहीं, लग्नेश ये है रत्न पहन लो, आपका भाग्यश ये है रत्न पहन लो, आपका पंचमेश ये इसका रत्न पहन लो, आपका कर्मेश ये इसका रत्न पहन लो, आपको विदेश जाना इसका रत्न पहन लो। आपने उसकी पावर बढ़ा दी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कहाँ बैठा है, कैसे पोजीशन में बैठा है? मुझे एक चीज बताइए, आपको पीड़ा कौन देता है, सो कॉल्ड पेन कौन देता छह आठ बारह 6 8 12, परफेक्ट आंसर। और कौन देता है? नारंग राहु, केतु, राहु केतु मंगल शनि, मंगल। अब ये पेन क्यों देवे आपको पता है क्यों देवे? क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। आप समझने का प्रयास कीजिए, ये आपको पेन जीवन में क्यों मिल रहा है? क्योंकि एनर्जी इज अनबैलेंस्ड। और ये दोनों केस में कार्मिक प्रारब्ध बोल सकता हूं मैं। अब कहानी ये बनती है कि सपोज आपके पास क्या ऑप्शंस बने कि आपका लग्नेश, लग्नेश अस्त हो सकता है, ठीक है, और लग्नेश क्या हो सकता है? लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में, केंद्र या त्रिकोण में बैठ सकता है, ठीक है जी। लग्नेश के साथ और क्या हो सकता है? लग्नेश 6 8 12 में बैठ सकता है, और क्या हो सकता है लग्नेश के साथ? लग्नेश राहु केतु शनि मंगल के साथ बैठ सकता है, और क्या हो सकता है आपके लग्नेश के साथ, कोई बताएगा? गणोल में हो सकता है। गंडमूल में हो सकता है, परफेक्ट आंसर। ठीक है, छह आठ बारह के नक्षत्र में बैठ सकता है। बता दिया ना मैंने आपको पाप कर्तरी में हो सकता है। पाप जी। हो सकता है कर्तरी में हो सकता है। लग्नेश एक एक कर, पाप कर्तरी हाँ हाँ नहीं, जो भी हो, हमने एक जनरल ले लिया कुछ गाइडलाइन, बहुत कुछ हो सकता है वैसे। अस्त हो सकता है। अस्त बता दिया मैंने, स्टार्टिंग अस्त ही की है। ठीक है, अब आप खुद देखिए कि जब लग्नेश में अस्त है तब मुझे लगता है कि उसको रत्न दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कब? जब जब दशा लॉर्ड, समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कब? जब दशा लॉर्ड, उसके बाद मून, उसके बाद लग्न। एक मिनट रुकिए, मुझे थोड़ा स्पेस बनाने दीजिए, स्पेस। ओके, स्पेस है, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। धन्यवाद।
लेकिन कब? जब दशा लॉर्ड मून लगन से 6-8 बार बनाओ, से 6 6 8 12 ना हो, ठीक है? और क्या होना चाहिए? नेगेटिव ट्रांजिट ना हो, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आपका लग्न 6-8-12 में सीधा रत्न मत पहनिए, क्योंकि आपने 6-8-12 की एनर्जी को बैलेंस नहीं किया है। आपका लग्न राहु केतु शनि मंगल के संबंध में मत पहनिए, आपका लग्न गंड मूल में मत पहनिए। 6-8-12 का रत्न वही व्यक्ति पहन सकता है जिसने उसकी एनर्जी को बैलेंस किया है। यकीन मानिए, मैं अगर रत्न पहनूं इस समय ना, मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन जरूरत क्या है? मैं अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना, मेरे लिए यही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। इससे ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, और किसी भी चीज की अति उचित नहीं है। किसी भी ऊर्जा का अति होना वो भी ठीक नहीं है, और वो भी किस तरह से, आर्टिफिशियल रूप से। मत पहनो, बेटर अति सर्वत्र वर्जते, सुना होगा आप लोगों ने, सही कह रहा ना मैं? अब लग्नेश का रत्न तभी पहनाना चाहिए कि जब लग्नेश अस्त हो और कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो, बीमार हो, और उसको लग्नेश की ताकत देनी है। उसमें भी अगर उसका संबंध दशा से 6-8-12 है, तो दशा उसकी बैंड बजाएगा, दशा उससे डिमांड करेगा। छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आपका लग्नेश मर्क्यूरी है, ओके? आपकी दशा चल रही है जिस प्लैनेट की, वो है सैटर्न, वो यहां बैठा है। तो शनि से मर्क्यूरी क्या हुआ? अष्टम हुआ, राइट? तो शनि डिमांड कर रहा है कि तुमने इधर ताकत बढ़ाई, इस हाउस को एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे ये हाउस क्या है, अष्टम में, तो मुझे ओकल्ट चाहिए, ओकल्ट, वरना शनि आपकी बैंड बजाएगा। आपको याद होगा हाउस एक्टिवेशन में हमने ये सब चर्चा की थी कि हम कई हाउसेस एक्टिवेट करते हैं, उसमें से 3 से 4 हाउस हमेशा एक्टिवेट रहते हैं। कौन कौन सा था वो? एक जिसकी दशा हो, नंबर एक, नंबर दो हमारा लगन, नंबर तीन हमारा चंद्र, ट्रांजिट हो जिसका, चंद्र चंद्र ट्रांजिट नहीं मैम, कहाँ जा रहे आप, और नंबर चार आपका नाम। जिसने नहीं देखा हो पुराने वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद नेगेटिव ट्रांजिट का मतलब समझिए, राहु केतु शनि मंगल वो क्यों आ रहे हैं आपके जीवन में? वो आ रहे हैं आपके प्रारब्ध को ठोकने के लिए, किसी जन्म के प्रारब्ध है। आप पूरी तरह से रत्न पर डिपेंडेंट है, आपने रत्न पहन लिया है, ये ना भी हो, राहु केतु शनि मंगल जब भी इसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि इसके पास ताकत है, और उनके पास क्या है, क्षमता है। इन प्लैनेट का क्षमता बहुत होती है, खास करके राहु और केतु के पास, क्योंकि हमेशा वक्री होते हैं। तो जब भी वो इसके ट्राइन में आएंगे या इसके ऊपर से जाएंगे, वो इसको बाध्य कर देंगे अपना प्रारब्ध देने के लिए। और आप अगर राहु केतु के हिसाब से या उनके प्रारब्ध को अगर आपने हैंडल नहीं किया होगा, तो क्या होगा पता है? वो इसकी पावर को यूज करेंगे, क्योंकि राहु केतु की खासियत है वो जहां वो घुसते हैं पहले वहां कब्जा करते हैं और उसकी पावर यूज करते हैं। सुबह भी आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, कल भी हमने यही समझने की कोशिश की थी कि राहु केतु यूज कैसे करते हैं, या तो क्या करेंगे, भटकाएंगे, काटेंगे जीवन में। तो वहां भी रेमेडी राहु केतु के पास है, ये तो केवल एक दर्शक मात्र हो जाता है। और क्योंकि आपने इसकी ताकत बढ़ा दी है, तो ये और जोर से पीड़ा देना चालू करेगा आपको। मैंने ऐसे कई केसे देखे, व्यक्ति ने रत्न पहना, ठीक है, उसको नर्व्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई, व्यक्ति ने रत्न पहना उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि जब 12th हाउस में एक व्यक्ति ने 12th हाउस का रत्न पहना, 12th हाउस क्या है, ठीक है, 12th हाउस फॉरन का, लेकिन 12th हाउस क्या है, आपके मैरिज का ब्रेकअप भी है वो। और यकीन मानिएगा, उधर से नेगेटिव ट्रांजिट हुआ,
उसने उसकी डैमेज कर दी, उसने बिहेवियर ले लिया, और 7th हाउस में इतनी पीड़ा हुई कि डाइवर्स की नौबत आ गई। मैंने उससे रत्न निकलवाया, कुछ नहीं किया, मैरिज प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व। 4 दिन के बाद उस लड़की का फोन आता, सर कैसे चमत्कार हो गया, मन भी शांत हो गया, मैरिड लाइफ भी बच गई। मैंने बोला कुछ नहीं, आपने गलत रत्न पहन रखा था, बाकी जो मैंने आपको मंत्र जाप बताया वो 3 दिन में काम नहीं करता, सॉरी। ये रियलिटी है। तो रत्न केवल एक ही जगह मुझे पहनते नजर आता है, जब आपका ग्रह अस्त हो, भले लग्नेश हो, कोई भी ग्रह हो, और उसकी आपको बहुत बहुत आवश्यकता हो। लेकिन उसमें भी अगर आप रत्न पहनते हैं, उसमें भी अगर आप रत्न पहनते हैं, तो ध्यान रखना उसका संबंध दशा से, मून से, लगन से 6-8 12 ना हो, क्योंकि वो आपसे डिमांड करेंगे फिर। और अगर हो तो आप 6-8 12 को यूज कर रहे हो। 6th हाउस क्या है, किसी का भी सेवा मांगता है। 8th हाउस ओकल्ट है। 12th हाउस क्या है, इन्वेस्टमेंट है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, उस प्लैनेट से रिलेटेड पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, ना कि नेगेटिव इन्वेस्टमेंट। इस पे भी हमने 2 क्लास ली हुई है। अब आपका प्लैनेट, आपका दशरथ, आपका मून आपके लगन से अष्टम में है, या लग्नेश से अष्टम में है, या जिस प्लैनेट का आपने रत्न पहना उससे अष्टम में है, तो मन अशांत कर देगा वो। क्यों? क्योंकि आपके मून से अष्टम हाउस को आपने बल दे दिया है। समझने का प्रयास कीजिए कि ये सब हमारे घर है, हाउसेस है, और ये 9 प्लैनेट नहीं है, हम है। हमारा जो खेल चल रहा है इन 12 घरों के बीच में चल रहा है, ठीक है जी। एक मैं हूं, मर्क्यूरी समझो मैं हूं, ठीक है, और उसके बाद मंगल समझो शिखा मैम है। अब शिखा मैम मुझसे 12th है, या मैं शिखा मैम से 12th हूं, शिखा मैम का घर ये है, ये शिखा मैम ने, ये शिखा मैम इस कमरे में रहती है, मैं इस कमरे में रहता हूं, तो एज पर रूल ऑफ लॉ हर प्लैनेट से जो 12th प्लैनेट होता है वो नेगेटिव माना जाता है। एम आई राइट अबाउट? क्योंकि यस सर। वो उससे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, वो उससे इनपुट मांग रहा है, वो बोलता है मुझे तेरा इनपुट चाहिए, तभी मैं तुझे जस्टिफाई करूंगा। अब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से मर्क्यूरी मार्स से 12th है। मैंने जैसे ही मर्क्यूरी का रत्न पहना, मार्स को निगेट किया उसने, मार्स ने उसको निगेट किया, क्योंकि मैंने इसकी पावर बढ़ा दी और ये इसको गेन देना चाहेगा, ठीक है, ये अपनी ऑथोरिटी चलाएगा। फिर इसके साथ साथ मेरी जवाबदारी और बन जाती है कि मैं मर्क्यूरी के कारक तत्व को और तेजी से अपनाऊं। किस तरह से? मर्क्यूरी का स्वभाव क्या है, बुक से, मर्क्यूरी का स्वभाव क्या है, बच्चे, स्किल्स मर्क्यूरी का स्वभाव क्या है, तो जो मर्क्यूरी का जो स्वभाव है मुझे उसको अपनाना पड़ेगा। तो रत्न पहनते हो तो उसके स्वभाव को अपनाने का भी प्रयास रत रहिएगा। कई बार लोग अष्टम में बैठे प्लैनेट का रत्न पहन लेते हैं, पहनते ना लोग कि नहीं पहनते, बट हाउ इट वर्क्स अगेन, इट वर्क्स द सेम वे। स्पेशली तांत्रिक लोग वो पहन सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस ओकल्ट है, लेकिन उनको भी मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो उसका असर सीधा बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd हाउस पे पड़ेगा, 2nd हाउस पे फैमिली को दिक्कत आएगी, और आती भी है, देखा होगा आप लोगों ने। आर्टिफिशियल एनर्जी को बढ़ाना लॉजिकल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रत्न जो पहने जाते हैं शरीर को टच होते हैं, ठीक है। मेरे वाइफ का 2nd और 9th का लॉर्ड वीनस है, वीनस अस्त है, ठीक है जी, वीनस अस्त है। अस्त किससे हुआ, सप्तमेश से हुआ है, सप्तमेश यहां बैठा है, अपने से 10th गया है, ओके, चंद्र से 4th है, ओके, लेकिन लग्नेश से क्या है, सॉरी दशा लॉर्ड से क्या है, दशा लॉर्ड से 8th है। मैंने उसको कभी रत्न पहले नहीं पहना, पहले मैंने उसको दशा लॉर्ड को अडॉप्ट कराया, क्योंकि मुझे पता उसकी वीनस की दिक्कत थी, दशा लॉर्ड को अडॉप्ट कराया। जब वो दशा लॉर्ड को उसने अडॉप्ट किया, दशा लॉर्ड की रेमेडी की, जब वो उसकी मंत्र जाप करने लगी, उपवास करने लगी, दशा लॉर्ड कंट्रोल में, उसके बाद जाकर के मैंने उसको हीरा पहनाया था। क्यों? क्योंकि पहले मैंने क्या किया, पहले उसके रिलेशन से, उसके रिलेशन को कंट्रोल किया। मुझे पता था कि जैसे मैं यहाँ इस हाउस को, उसके इस हाउस को एक्टिव करूंगा, ये चिल्ला बैठेगा, क्योंकि इसकी
दशा चल रही है और ये इसको दंड देना चालू करेगा कि तू मुझे अपोज कैसे कर सकता है। यू गॉट माई पॉइंट? पहले इनके संबंध को मैंने ओके किया, फिर मैंने उसको रत्न पहनाया, ईवा काम कर गया। अभी भी उसके नेगेटिव ट्रांजिट का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दो नंबर राशि है। तो दो नंबर राशि में जब भी राहु केतु शनि मंगल ट्रांजिट करेगा, क्योंकि मंगल भी यहीं बैठा है, तो मंगल से भी अष्टम से मुझे मंगल की चिंता नहीं है, तो उनके रिलेशन को भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने रिलेशन से कैसा खेल बनाएंगे, प्लस उनका अपना स्वभाव। याद करो स्वभाव और प्रभाव जो हमने डिस्कस किया था। तो रत्न पहनने के पहले ये बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर इन चीज को चेक नहीं करता है। उसने आपको रत्न पहना दिया, पहन के पहने रह गए। कब तक पहने रहते हो आप? जीवन भर, 6 6 साल, 5 5 साल, ऐसे भी देखे लोग 10 10 साल पहने हुए। बॉस नॉट गुड, कितना भी अच्छा है रत्न, समझे कि नहीं? क्योंकि जो प्लैनेट आपके चार्ट में है वो गोचर भी कर रहे हैं, सो कॉल्ड ट्रांजिट भी है उनका। ट्रांजिट में भी तो नेगेटिव होंगे। और एक चीज और सोचिए, आपका आपने मर्क्यूरी का रत्न पहना है, मर्क्यूरी खुद भी तो घूम रहा है बर्थ चार्ट पे, वो अपने से छठे चला गया, वो अपने से अष्टम चला गया, वो अपने से द्वादश चला गया, कैसा रिजल्ट देगा? क्योंकि मर्क्यूरी के पास पावर है। निगेट हो करेगा या नहीं करेगा आप मुझे बताइए। 20% ऑफ द 25% ऑफ द टाइम वो प्लैनेट अपने से 6 8 12 जाके आपको निगेट करेगा, क्योंकि आप 6 8 12 को यूज नहीं कर रहे। अगर आप 6 8 12 की रेमेडी कर रहे हैं जो आपको सिखाया गया बताया गया है, तो आपको रत्नों की आवश्यकता ही नहीं। वैसे भी इतनी पावर पर्याप्त है जो आपने ईश्वर को, जो आपको ईश्वर ने दे दिया है। हेल्थ इश्यू है, दशा लग्नेश है, तभी रत्न सजेस्ट किया जा सकता है, एल्स नहीं। क्लियर? मैंने वाइफ को भी इसलिए दिखाया था कि उनके डैड पिताजी के हेल्थ को कुछ दिक्कतें बन रही थी, ठीक है, क्योंकि उस एंगल से मैंने दिया था। वो भी मैंने पहले उस एनर्जी को बैलेंस किया, क्योंकि पिता उसके यहाँ है, यहाँ पे सैटर्न है, पहले सैटर्न को कंट्रोल किया, सैटर्न के बाद उस डिस्पोजिटर को कंट्रोल करने के लिए मैंने रत्न पहना है कि दोनों को मैं बैलेंस करूं, और बढ़िया काम कर गया वो। हाँ जी हेमा जी बोलिए। सुनील जी, यहाँ पे मुझे एक कंफ्यूजन है कि जहां पे एक की राशि हो, यानी सपोज एग्जांपल स्कॉर्पियो है मेरा लग्न, और हाँ, एक में मेरा मरकरी है और बैठा है 7th हाउस में. एक सो मिनट, एक मिनट, इट एक मीन्स एक एक मिनट, आप कंफ्यूज मत होइए, फिर से बता रहा हूं मैं। मैंने ये कहा जिस प्लैनेट का आप रत्न पहना रहे हैं, वो प्लैनेट कहाँ बैठा उसको देखिए पहले, ठीक है, आपके चार्ट में, राशि को भूल जाइए फिलहाल, वो कहाँ बैठा है, उसके बाद उसका संबंध दशा लॉर्ड से, मून से, लगन से क्या बन रहा है वो देखिए। क्या वो 6 8 12 है? अगर 6 8 12 है तो पहले उस 6 8 12 को बैलेंस कीजिए, ठीक है, और नेगेटिव ट्रांजिट, अगर उसके साथ में नेगेटिव प्लैनेट राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट बैठे हैं, तब इनकी रेमेडी के बिना रत्न मत पहनाइए, एल्स वो आपके अनबैलेंस्ड कार्मिक प्राप्त को आपके जीवन में लेके आएंगे। रत्न करता क्या है कि वो एक एनर्जी बढ़ा करके कुछ टाइम दे देता है, और वो टाइम जाने के बाद ब्याज के साथ, क्योंकि आपको एक टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है, ब्याज के साथ आपके कार्मिक प्राप्त आपके जीवन में आते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और है, रत्न का एक यूज और होता है। दो प्लैनेट युति में बैठे हैं, मर्क्यूरी प्लस मार्स, लोग क्या देखते हैं? मार्स आपको मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है, लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी का रत्न दे दो ये इसको दबा देगा। यही भी एक तरीका होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कंजंक्शन में इस तरह के रत्न भी दिए जाते हैं कि जो प्लैनेट दूसरा है ये मुझे परेशान कर रहा है, तो इसको दबाने के लिए इसको मैंने ताकत दे दिया। ये भी किया जाता है, नहीं किया जाता? सुनील जी, इसी रिलेटेड मैंने बोला था, जैसे भी मरकरी मेरा अपने पर से ट्वेल्थ देखिए में देखिए बैठा है मैं बात समझने की कोशिश, और मार्स. ये तो क्लियर है ना मैम? क्योंकि अभी चार्ट लेंगे ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा समझने का प्रयास की। मर्क्यूरी प्लस मार्स अगर बैठा है, आप मार्स को दबाना चाह रहे हैं क्योंकि मार्स आपको परेशान कर रहा है, आपके चार्ट में मार्स मैलिफिक है, तो आपने क्या किया, मर्क्यूरी का रत्न पहना, ठीक है, मर्क्यूरी उसको दबाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल दबाएगा, लेकिन क्या आपने उस
मर्क्यूरी का जिसका रत्न पहना, उसका विलेशन, दशा, मून, लगन से 6-8-12 तो नहीं ये देखा क्या? और क्या उसके साथ और कोई नेगेटिव प्लैनेट राहु केतु शनि जैसे प्लैनेट बैठे हैं क्या? तीसरी चीज, उस पर ट्रांजिट किसका हो रहा है? और जो ट्रांजिट हो रहा है क्या वो 6-8-12 में तो रिलेशन नहीं बना रहे? क्योंकि जब भी होगा आपने रत्न पहन लिया, जब तक उसको नेगेटिव ट्रांजिट नहीं मिलेगा आपको फल अच्छा देगा, लेकिन जैसे वो नेगेटिव ट्रांजिट में जाएगा वो मंगल से ज्यादा तकलीफ वाला परिणाम देगा, ध्यान देना इस बात को। समझ गए हेमा मैम मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी समझ गए, क्योंकि मेरा सेम केस है इसलिए। प्रॉब्लम आई ना आपके जीवन में? रत्न ने काम किया क्या? रत्न ने पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव भी किया, नेगेटिव क्योंकि भी मेरे किया, पॉजिटिव किया होगा स्टार्टिंग में, लेकिन रत्न हमेशा के लिए नहीं होता है, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता। उसका कारण है क्योंकि उसका बिजनेस है, वो आपको हर चीज में डरा देगा, ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है, लेकिन इस चीज को लेके नहीं बताएगा। समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि तो जब यही, भी सॉरी, क्योंकि मेरा राहु के साथ ही मरकरी बैठा हुआ है, और मुझे इसकी पन्ना की मरकरी की पन्ने को बोला था, विच इज ऑन द 8th लॉर्ड भी है, मैम तो मैं इसलिए भी। एक चीज समझ लीजिए, राहु केतु को कोई प्लैनेट की क्षमता नहीं कि राहु केतु को दबा सके, कितना भी रत्न पहन लो आप। ये मेरा आपको मैं यकीन मानो, कई चार्ट देखे मैंने, राहु केतु को दबाने के लिए इनमें से कोई किसी प्लैनेट की क्षमता नहीं है, मानो या न मत मानो। राहु केतु को दबाने का एक ही उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, केतु के शरण में चले जाओ, राहु बैलेंस हो जाएगा, राहु आपके अनुकूल काम करने लगा। अगर आपने मॉर्निंग की क्लास अटेंड की हो तो आपके अनुकूल हो जाएगा और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सहज है। हाँ जी महावीर नहीं जी करते, बोलिए, महावीर जी आवाज नहीं है आपकी, महावीर जी चलिए कोई बात नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि रत्न केवल पावर बढ़ाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है। आपकी प्रॉब्लम पावर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्या पता है? आपके प्लैनेट में टॉक्सिन्स है, ठीक है, आपके प्लैनेट में कहीं ना कहीं दोष है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और आपकी प्रॉब्लम क्या पता है? दशा लॉर्ड कहीं ना कहीं निगेट हो रहा है और वो आपसे आपके प्राप्त को मांग रहा है 6-8-12 के रूप में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या दशा लॉर्ड का संबंध राहु केतु शनि मंगल इनसे कहीं ना कहीं बन रहा है। तो ये कार्मिक पाप पे हम कभी फोकस नहीं करते, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ होती है। और जिस दिन आपने इधर फोकस कर दिया ना, प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गया। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? थैंक यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं रत्न नहीं देता हूं जल्दी। मुझे पता है कि रत्न में दे तो दूंगा 70% वो काम करेगा, लेकिन जो 25-30% ऑफ टाइम है उससे ज्यादा पेन लेके आ जाएगा। क्यों वैसा काम करना? यही से अच्छा अगर अपने दिनचर्या में इसको ला सको। कितना टाइम लगता है मुझे बताओ? 1 मंत्र जाप करने को 2 मिनट लगता है। फास्टिंग इतनी इतना मुश्किल लगता है आप लोग को? फास्टिंग कितना सहज होता है? क्या आपका जीवन केवल भोजन करने के लिए ही है? इससे ज्यादा कुछ नहीं है? सिर्फ खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। हाँ जी मंदिर जाना, कौन सा मैंने बहुत बड़ा पहाड़ बता दिया? मंदिर आजकल हर जगह, हर घर में, हर जगह है, जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। जाइए दर्शन कीजिए, कनेक्ट होइए। महीने 2 महीने में आप आउटिंग करते हो, आप आउटिंग कहाँ करते हो? थिएटर में, उससे अच्छा किसी अच्छे मंदिर में चले जाइए, पावर हाउस में जाइए ना। एम आई राइट अबाउंग? आप थिएटर में जाते हो, आप पिज्जा बर्गर खाते हो, वहां खर्च आपको चल जाएगा, लेकिन मंदिर जाना जायज नहीं है। कहां तक लॉजिकल है ये? शक्तियां जो है ना, शक्तियां, हम शक्तियों से दूर हम हुए हैं, शक्तियां रेडी है आपको हेल्प करने के लिए, आपको थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा। और जैसे आप कनेक्ट होते हो ना, यकीन मानिए आपको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। पहना होगा निकाल के फेंक दो, एक्सेप्ट लग्न के केस में मैं मानता हूं किसी को हेल्थ इश्यू से मेजर पड़ा हुआ बीमार है, वहां पे रत्न का सहारा लिया जाता, वो भी टेम्प्रेरी कुछ महीने, और उसको भी निकाल देना चाहिए।